पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मम्मी मम्मी हाँ, क्या हुआ था रात, कैसे बताएंगी आप क्या हुआ था? वो आया था 7 बजे। नाम बताओ उसका, कौन? असलम खान। अच्छा, आया था और हमें बंद कर दिया था मम्मी ने, और ऊपर आ गई थी, खाना वाना खा के ऊपर आ गई थी, और हम सो गए तो नीरी ईटो की आवाज आ रही थी 9:30 बजे के खाने। कितने बजे का टाइम था? 9:30। 9:30 बजे। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हमने कुछ नहीं देखा। फिर तुमने जब ईटों की आवाज आ रही थी तो किसी पुलिस को, किसी रिश्तेदार को कॉल नहीं की? नहीं, किसी को। हम क्या करें, हम ऐसी बस्ती रह गई, आती रह आवाज, इसलिए। क्या मम्मी डांटती थी? मम्मी हाँ, मम्मी ने मना कर, मम्मी की वाड़ बंद करके चली गई थी। मम्मी क्या, आपके कमरे की किवाड़ बंद कर दी थी? अच्छा, फिर ये घटना हुई, उसके बाद जो पता चला आपको, फिर आपने सुबह आके ऊपर देखा कमरे में? हमने मम्मी मम्मी की, मम्मी आ जाओ आ जाओ, मम्मी की थोड़ी सी झलक ऐसी आवाज आई, मोहनी की आवाज आई थी, हमने आके देखा, अचानक से मोहनी मेरे को घबरा गई, ऊपर देखा तो हमने आके, हमें तो पता ही, हमें सो रही होगी मम्मी। अच्छा, वो जो जिसका नाम आपने बताया, क्या नाम है? असलम खान। असलम खान क्या, असलम अंसारी भी है, असलम खान भी है। क्या कब से आपके घर आता है वो? आया कम से कम 1 साल से हो गया होगा। उसने मम्मी को मारने की धमकी भी दी थी उसने पहले ही। राम किशोर, क्या हुआ तुम्हारी पत्नी के साथ, घटना कैसे हुई? यानी मैं तो कल शादी में चला गया था जी, कल मुझे भेजा था इन्होंने कि शादी में चले जाओ, क्या नाम है, और क्या नाम है, सुबह को आ जाना बारात करके, तो मैं चला गया। मैं क्या नाम है, फिर उसके बाद में शाम को कॉल भी हुई थी 7:30 बजे के टाइम कि मोबाइल का चार्जर कहाँ है, तो मैंने कि चार्जर फ्रिज में रखा होगा तो चार्ज कर लेना। उसके बाद में फिर एक बार और कॉल हुई थी मेरी बात 7:45 बजे के टाइम, तो उस दिन उन्होंने कही कि नाम है कि सुबह को आ जाना है, क्या नाम है, खा पी के खाना, तो ठीक, मैंने ठीक है सुबह को आ जाऊंगे, तो उसके बाद में फिर कॉल नहीं आई, नहीं मैंने करा था कॉल। थे गाँव। अच्छा जी, फिर कैसे पता चली आपको? शादी में सुबह फोन, सुबह फोन करा, सुबह सुबह हमारे क्या नाम है भैया का फोन आया, बड़े वालों का, उन्होंने बताया कि ऐसे मैटर हो गया, जल्दी पहुंचो घर। किस तरीके से मारा है आपकी भाई? पता नहीं कि नाम है, हम तो गाँव दावत खाके दावत खाने गए थे। किस चीज के निशान मिले उसके शरीर पे, चोट के निशान कहाँ पे थे? कुछ नहीं पता। सर पे चोट के निशान थे क्या? नहीं, हमने देखा नहीं है सर। देखिए, आज मॉर्निंग में SHO कटघर को सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में एक महिला जिनकी उम्र लगभग 35 साल है, उनकी हत्या कर दी गई है। इस पे तत्काल मौके पे फोर्स पहुंची और हमारी जो फोरेंसिक टीम है मौके पे गई, वहां पे जाके पता चला कि जो घर है उस घर के पहली मंजिल पे एक लेडी की डेड बॉडी थी, और उनके बच्चों ने एक व्यक्ति के बारे में बताया जो सामने उनके घर आए थे, उसके बाद मॉर्निंग में वो भाग गया वहां से। उसके बाद उनके जो महिला के पति थे वो कल शाम में वहीं दूसरे दिन पर में शादी में गए थे, आज मॉर्निंग में आए, उनको सूचना मिली थी। उसके बाद उन्होंने एक तहरीर दी है जिसमें एक व्यक्ति, इसका नाम असलम है, और उसमें नामजद हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। असलम उनके परिवार को पहले से जानता था और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी है, बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे, और बाकी जितने सारी बातें अभी हम लोग को बताई गई उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एविडेंस के आधार पर इसका डिस्पोजल किया जाए। सर, महिला को पहले भी, इससे पहले भी जान से मारने की धमकी? इसके बारे में देखिए, अभी कोई पुष्टिकारक कोई एविडेंस हम लोग को नहीं मिला है, हम लोग बातचीत करेंगे और जो भी चीज सामने आएगी उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सर, प्रथम दृष्टया क्या माना जा रहा है, किस वजह से? देखिए, ये जो व्यक्ति है जिसको नामजद किया है इन लोगों ने, इनके घर को जानता था और इनके इस परिवार से उसका आना जाना था, बाकी चीजें उसमें जो इन्वेस्टिगेशन आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू।